मंजिल एक थी, भगवान एक था, इरादा एक था, कुछ अनबन ने हमें बांट दिया और इंसान कई मजहब में बट गए और इसी बीच अच्छाई और बुराई हमारे बीच कई रूप में आई। एक दुनिया कई मुल्क में बटी, कई मुल्क कई गांव में बटे, पर इसमें किसी की भलाई नहीं थी सिवाय स्वार्थ के। लोग कई रूप में आए, मानव इतिहास में कई अचंभित कारनामे हुए, लोग जमीन से चांद तक पहुंचे, हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया, लेकिन आसान जिंदगी को आसान की ख्वाहिश में कांटों से भरी सफर, मंजिल, भगवान और इरादों को खड़ा किया, अपने लिए भगवान बनाया, अपनी खुशी के लिए दूसरों का हक छीना, पर ये बड़ी विचलित, अजीब और हैरानी की बातें हैरान करती हैं। उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं, जिन्होंने अपनी आहुति देकर कई मेहनतों मशक्कत परिणामों के बाद जीवन को जीवन दान दिया, और उनको क्या सजा दूं जिन्होंने अपने स्वार्थपन में कई घर को बेघर किया। तो आइए इस कहानी के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में परिस्थिति के दो विकल्प होते हैं, सही और गलत, चाहे जैसी भी चुनना आपको होता है और चुनना जैसा होता है परिणाम भी वैसा ही आता है। Yeah.
पता है मैं अच्छा आदमी नहीं बन सका, लेकिन मुझे बनना होगा, मुझे वादा करो।
कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कुछ कहना मिस्टर वर्मा? यस सर, ये केवल इस देश के लिए केवल एक ही जिंदगी मिली है। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा सुना